नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुगलपुरा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यालय पर किया रोजा इफ्तार। मुरादाबाद में रमजान के आखिरी जुम्मा को बड़ी संख्या में मुसलमानों ने नवाज अदा की। इस दौरान सभी ने मुल्क व कौम की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ मांगी। वहीं शाम को मुगलपुरा स्थित लाकड़ी बलान में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महाशक्ति संघ प्रदेश मंत्री शहाबुद्दीन द्वारा अपने निजी आवास पर भाजपा परिवार अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रोजा खोला। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। की क्या तैयारी है? आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के निवास पर सभी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिसमें सभी पदाधिकारीगण, पूर्व प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष, सभी हम लोग गणमान्य लोग, हम सभी इकट्ठे हुए और सभी हमने सबने मिलकर दुआ की है कि हम आपके से हैट्रिक बनाकर देश के प्रधानमंत्री जी को भारी मतों से जिताएं और 400 पार का आंकड़ा पार करें और अपने मान लोकसभा 6 के प्रत्याशी माननीय कुंवर सर्वेश सिंह जी को भारी मतों जिताएं और भाजपा अंतर्गत मोर्चा उनको जिताने में सक्रिय भूमिका, भारी मतों जिताकर अपना एहसास दिलाएगा। सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पे मजबूती से चुनाव जो वोट डलवाएंगे और लोकसभा 6 के प्रत्याशी को अल्पसंख्यक मोर्चा भारी मतों से जिताकर केंद्र में भारी मतों से सरकार बनाने में अल्पसंख्यक मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, मतदाताओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बरहमपुर जिला अधिकारी मानवंदर सिंह द्वारा मतदाताओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है। भाई, मतदाताओं से ये अपील है कि अपने वोट का प्रयोग करें, पहले वोट बाद में जलपान, वोट का प्रयोग करें और हम सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और अपने मत का प्रयोग करके अपने जो अपना प्रत्याशी है उसको भारी मतों जिताएं और अच्छे काम करें। और हम यही आज अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने बैठक की है कि हम सब लोग एकजुट होकर भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जिताएंगे और अब किसे 400 पार का आंकड़ा पार करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की पोलिंग रहेगी इस बार? भाई, हम लोग एक एक बूथ पे पांच पांच कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़ा होगा और अपने बूथ को मजबूत करेगा और हमारी कोशिश यह है कि हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले और हम अपने प्रत्याशी को भारी मतों जिताएं और अल्पसंख्यक मोर्चा का इसमें अच्छा योगदान रहे, यह हमारी दिक्कत है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। आज मेरे घर में एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी। जितने भी मेरे अल्पसंख्यक मोर्चे के वरिष्ठ पद अधिकारी और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, एक दस्तरखान पे बैठ के, जब तक हम लोग एक दस्तरखान पे नहीं बैठते हैं, जब तक हम लोगों की ताकत का एहसास नहीं होता है। आज मेरे सभी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ मेरे भाई मेरे साथ दस्तरखान पे जब बैठे तो मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ कि हम अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जा सकते हैं। हमारी एक मेन भूमिका हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमेशा होती है। हम अलग अलग तरीके से अपने बुद्ध की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मगर आज हमने एक दस्तरखान में बैठ के एक सोच और एक दुआ की कि हम सब मुसलमान भाई एक तरह से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाएंगे कि मुस्लिम समुदाय आपके साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इंशाअल्लाह आपकी बार 400 बार कराएंगे। आज हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता शहाबुद्दीन भाई के घर आए हैं। उन्होंने एक रोज़ा अख्तियार रखा था और उसमें हमारी एक रोज़ा अख्तियार में हमारे सारे भाई लोग बैठे थे, हमारी बहनें भी हमारे साथ हैं और उसमें हमने पार्टी के लिए चर्चा भी किया वोट के लिए और हमारा बहुत अच्छा लगा सबको एक साथ बैठकर। सब साथ देखिए, आप उनसे इतने सारे लोग भाई बहन हमारे भाई बैठे हुए हैं और उसमें हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना एका और भाईचारा हम लोगों में दिखाई दे रहा है। वैसा ही भाईचारा और एकता हमारे वोट में भी
वोटों में भी होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगी अपने भाइयों से, अपने मुस्लिम भाइयों से और अल्पसंख्यक समाज से ज़्यादा वोट दे के हमारे मोदी जी को विजय कराएँ, हमारे कुंवर सर्वेश ठाकुर जी को भी अच्छे वोटों से विजय कराएँ। वैसे तो हमारे मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, और हमें ये साबित करना है और करके दिखाना है कि 400 आपके बार 400 पार, वो कैसे होगा, हमारे ही वोटों से। तो मैं अपने मुस्लिम समाज भाइयों से बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के हमारा सहयोग करें।